हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। भारत के महावीर नाम से जाने जाने वाले हिंदू क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान को 12वीं सदी के इतिहास के वीर नायक के रूप में जाना जाता है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज को गणित, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, चित्रकला में महारत हासिल थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का सबसे अनूठा कौशल था सप्तभेदी बाढ़ चलाना, यानी सिर्फ आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगाना। तो इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कई तथ्यों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के राजा थे, और इनकी माता का नाम महारानी कर्पूरा देवी था, जो स्वयं में एक वीरांगना थी। जब पृथ्वीराज महज 11 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्हें कम उम्र में ही साम्राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे और इन्होंने अपना साम्राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैलाया हुआ था। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर शासन किया था। इनकी राजधानी अजमेर में स्थित थी, हालांकि कई इतिहासकार इनकी राजधानी दिल्ली को बताते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र और हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि थे। चंद्रवरदाई का अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था। चंद्रवरदाई राजधानी और युद्ध क्षेत्र में सब जगह पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहते थे। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। ग्रंथ में पृथ्वीराज की युद्ध नीति का वर्णन मिलता है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित दूसरी रचना पद्मावती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। उसने सिंधु नदी को पार करते हुए मुल्तान पर कब्जा किया। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। उसने पुनः 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों का शासन था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। गोरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए थे, किंतु गोरी को कई बार हार का सामना करना पड़ा था। कई युद्धों के दौरान मोहम्मद गोरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। गोरी ने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया, जिसके कारण गोरी को पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करना पड़ा। दोनों शासकों के बीच तराइन के भीषण युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध। ये युद्ध 1190 या 91 के मध्य माना जाता है। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भटिंडा के पास हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की अपमानजनक हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की जान बख्श दी थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार युद्ध में हराया था और उसे माफ़ भी किया था। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान की शादी संयोगिता से कैसे हुई, इस घटना के बारे में जानना आवश्यक है। कन्नौज के राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए विवाह रखा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की मर्जी के विरुद्ध उनकी पुत्री संयोगिता से शादी की, जिसकी वजह से जयचंद्र ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध खड़ा रहा। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए गौरी का साथ दिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पड़ोसी हिंदू राजाओं का सहयोग नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने गोरी की सेना का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की थी। गोरी ने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। गोरी ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और कैद खाने में डाल दिया। काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया, जहां पर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था। यह सुनकर
चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे उन्होंने गजनी की यात्रा की और मोहम्मद गोरी को चकमा देकर पृथ्वीराज चौहान से मिलने गए थे, लेकिन मोहम्मद गोरी ने उन्हें भी कैद कर लिया। उस कैद खाने में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी से बदला लेने का षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र के अनुसार चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी से तीरंदाजी करने का प्रस्ताव रखा। इस आयोजन में पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी करने की अनुमति मांगी। मोहम्मद गोरी ने भी तीरंदाजी की अनुमति दे दी। उन्हें लगा कि पृथ्वीराज चौहान अंधे होकर क्या तीरंदाजी करेंगे। मोहम्मद गोरी को ये नहीं पता था कि पृथ्वीराज चौहान को सप्तभेदी बाढ़ चलाने आता था। तीरंदाजी का आयोजन हुआ और उसमें चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी की स्थिति के अनुसार एक दोहा कहा। इस दोहे के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने सप्तभेदी बाढ़ चलाया जो सीधा जाकर मोहम्मद गोरी को लगा, जिससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार दिया था, क्योंकि वह दुश्मनों के हाथों नहीं मरना चाहते थे। अब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य विस्तार के बारे में। पृथ्वीराज चौहान ने अपने कौशल से आसपास के छोटे राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। 1182 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा परमवीर देव को हराकर उनका साम्राज्य भी अपने अधीन मिला लिया था। इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद ने परमवीर देव का साथ दिया था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज पर भी धावा बोला और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम को भी परास्त किया था और उनके साम्राज्य को भी अपने अधीन मिला लिया था। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा। धन्यवाद।